वेलकम टू डैडी सेकेंडरी चैनल। होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो क्लास वन, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए कंप्यूटर का टॉपिक लाई हूँ। सो सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी बुक परचेस करनी है, सही? उसका टाइटल आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आपको कंप्यूटर की क्लास वन की टेक्स्ट बुक ख़रीदनी है जो नकलस सीरीज़ की है, सही है? सो अब हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। ओके, क्लास वन फर्स्ट मंथली में जो आपका टॉपिक आता है वो है यूनिट वन कंप्यूटर बेसिक। ये है आपका फर्स्ट मंथली का टॉपिक, सही है? जिसके अंदर भी पांच टॉपिक्स है, सही है, जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। नंबर वन टॉपिक है मशीन, जो पेज नंबर वन पर है। नंबर टू है कंप्यूटर एज अ मशीन, जो पेज नंबर थ्री पर है टॉपिक। स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर, जो पेज नंबर सेवन पर है। कंप्यूटर हार्डवेयर, जो पेज नंबर नाइन पर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो पेज नंबर टेन पर है, सही है? ये आपके पाँच टॉपिक हैं जो फर्स्ट मंथली के अंदर आपको पढ़ने हैं, सही है? लेकिन जब आज जो हम पढ़ेंगे वो है, सिर्फ हम अपने दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, सही है? कौन कौन से? वो है मशीन और कंप्यूटर एज अ मशीन, सही है? ये हम दो टॉपिक पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मशीन की। सो क्लास वन, सबसे पहले तो आप अपना पेज नंबर वन ओपन करेंगे, जिसके ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कंप्यूटर बेसिक यूनिट वन इंट्रोडक्शन, सही है? You can see many machine around us at home and at school. Machine make our work easier. The computer is a very important machine that make our work easier. This unit discuss some machine including the computer. It also provide information about the four basic parts of a computer and how to start up a computer. सही है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन। मशीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारा काम बहुत आसान कर देती है हमारे लिए। कोई भी काम हो, कोई भी मुश्किल काम हो, हमारे लिए बहुत इजी कर देता है, सही है? और कंप्यूटर भी उस मशीन का हिस्सा है जो हमारे काम को बहुत आसान कर देता है, जिससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, सही है? और कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? चार पार्ट्स होते हैं, सही है? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? मशीन का टॉपिक जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, नंबर वन टॉपिक। A machine is a tool. Below are some examples of machine. A sewing machine helps us to sew our clothes. It will take a long time to sew clothes by hand. सही है? हम अगर जैसे आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, सिंग मशीन जो है सिलाई की मशीन होती है, ये हमारा काम कितना आसान कर देती है कपड़े सीने में। हम झटपट कपड़े सिल जाते हैं आपके घरों में, आपको पता ही होगा। लेकिन अगर वही काम अगर हम अपने हाथ से करें तो क्या आपको पता है वो कितना टाइम लेता है? वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है हाथ से सीने में, बट मशीन से सीने में झटपट सिल जाते हैं कपड़े। उसी तरह कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जो आपके नेक्स्ट पेज पर, ये आ जाएं पेज नंबर टू पर। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? आ फैन कीप अस कूल इन हॉट वेदर। फ़ैन क्या है? एक ऐसी मशीन है जो एक हॉट वेदर के अंदर भी, जो गर्म वेदर होता है, मौसम होता है, उसके अंदर भी हमें ठंडी हवा देता है, सही है? अगर हम फ़ैन ऑन कर दें तो कितनी ठंडी हवा आती है हमें, सही? उसी तरह हमारा नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन हेल्प अस टू वॉश डर्टी क्लॉथ्स। इट विल टेक लॉन्गर टू वॉश क्लॉथ्स बाय हैंड, सही है? आपको तो मशीन से जो है हमारे कपड़े बहुत ही झटपट, बहुत ही जल्दी धुल जाते हैं, चाहे वो जितने ही गंदे क्यों ना हो। लेकिन अगर वो हाथ से धो तो कितना टाइम लग जाता है। तो इस तरह क्या है, हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर क्या है? बाईसाइकिल हेल्प अस टू ट्रैवल। बाईसाइकिल से भी हम बहुत ही जल्द, जहाँ भी हमें जाना हो, हम बहुत आराम से जल्दी चले जाएंगे। पैदल जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा। उसी तरह आ कैलकुलेटर इज़ आई यूज टू कैलकुलेट सम्स। अच्छा, कैलकुलेटर भी हमारे लिए इसी तरह काम करता है। अगर कैलकुलेटर हम यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो वो बहुत ईजली और बहुत फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो हम हाथ से कैलकुलेट करेंगे या मतलब किसी भी मतलब खुद से कैलकुलेट करेंगे, तो वो बहुत ही टाइम लग जाएगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके क्लास, ये है आपका पेज नंबर थ्री और आपका नेक्स्ट टॉपिक। कंप्यूटर एज अ मशीन। ओके, आपका सेकेंड टॉपिक है, आ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ मशीन। इट मेक अवर वर्क ईजियर। इट हेल्प अस इन मैनी वेज, फॉर एग्जाम्पल इन प्लेइंग गेम्स, सॉल्विंग सम, ड्राइंग शेप, कलरिंग एंड मैच मोर।
मच मोर, लुक एट द पिक्चर्स फेलो। सही है, आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा है ना अपनी स्क्रीन के ऊपर। सही है, कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए कितना आसान हो गया हमारी लाइफ, जिससे हम अपने हर मुश्किल काम को बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग गेम्स खेल सकते हैं, कोई भी सवाल सॉल्व करना हो वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग ड्राइंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ आप इसके ऊपर कर सकते हैं। सही, जो आपको अपनी पिक्चर में नज़र आया। तो ये क्लास वन आप लोगों को पता है आप लोगों के घर में अवेलेबल होगा ही कंप्यूटर। सही, और इसके पार्ट्स कितने हैं? 4 पार्ट्स हैं, आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर। नंबर 1 पार्ट क्या है? मॉनिटर। नंबर 2 पार्ट क्या है? सीपीयू। नंबर 3 पार्ट क्या है इसका? कीबोर्ड। और नंबर 4 एंड लास्ट पार्ट कौन सा है इसका? माउस। सही है, ये इसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं, आपको मैंने पहले वाले टॉपिक में बताया ही था। सही है, तो क्लास वन अब हम आते हैं अपने एक्टिविटी पर जो आपका असाइनमेंट है। सो क्लास वन आप लोगों को क्या करना है, आपका पेज नंबर देखिए, आपको वर्कशीट खोलनी है जहाँ पे आपको मैच द कॉलम ए से बी पर आपको मैच करना है। सही है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई एक कॉलम की तरफ और बी कॉलम में आपको क्या नाम है नेम्स लिखे हुए हैं जो आपको मैच करने हैं। सही है, तो आपको मैंने अभी बताया है ना कीबोर्ड कौन सा है, मॉनिटर कौन सा है, माउस कौन सा है, सीपीयू कौन सा है। सही है, तो इसी तरह आपको इसी तरह मैचिंग करनी है अपनी बुक के अंदर ही, और ये सॉल्व करना है आपको। सही है, होपफुली आपको आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, टेक केयर।